जी बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आज हम यहाँ पर आए हैं मुजेरा एरिया में, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो मटेरियल यहाँ से यूज़ होता है, मिस्टर अर्शद, थैंक यू सो मच। और जो है भाई भी हमारे साथ हैं, तो आज हम थोड़ा सा माउंटेन में से जो पत्थर वगैरह को क्रश करके आगे डिफरेंट उसके साइजेस में उसको मटेरियल कन्वर्ट करते हैं, एग्रीगेट में कहते हैं, तो आज उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम कोशिश करते हैं कि उसके बारे में जानने की कोशिश करें और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है और किस तरह एक बड़े पत्थर को छोटे पत्थरों में और डिफरेंट मटेरियल कैसे कैसे होते हैं। कंट्रोल रूम है यानी जो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है सारे पूरे प्रोजेक्ट को, वो तो फिर से इधर से बदली करता है। तो यहाँ से, हाँ यहाँ से साइज जो डिफरेंट साइज होते हैं ना आगे जो भी क्रशर ये मशीन में होते हैं, तो यहाँ ये कंट्रोल रूम है, यहाँ से उसका डिफरेंट साइज। बड़ा पत्थर ऐसे डाला गया है, फिर कन्वर से बाद में जल जाना है, तो बड़ा पत्थर यहाँ पर डालते हैं, फिर छोटा छोटा पत्थर जी ठीक है, बड़ा पत्थर इधर डालते हैं और यहाँ से फिर कन्वेयर में छोटा छोटा पत्थर जो है ना वो आगे चला जाता है कन्वेयर में, और उधर से ना फिर पाउडर ना साइज का डाल जाता है। हाँ फिर और वहाँ पर पाउडर नहीं, उधर से जाएगा ना साइज होता है इसका 3-4 3 ऐसा बल्ली करके ना ये कन्वेयर में जाता है, ऐसा 3-4 का रोडवेज का रन करता है। तो आगे फिर इन्होंने डिफरेंट साइज किया गया कन्वेयर, जैसे जिस चीज़ का साइज होता है वहाँ पर वो फिर वहीं पर उसका पाइल अप हो जाता है, देर लगना शुरू हो जाता है। स्टॉप कर, ओके। अब हम यहाँ पर आए मेन जो ये एरिया जहाँ पर आगे जो ऊपर से भी हमने देखा कि वहाँ से बड़े पत्थर को जब डालते हैं तो कन्वेयर आते हैं और ओके वो कन्वेयर में आएगा ना, फिर उधर से ऐसा सिलेक्ट होता है ये इधर ऐसा 26, ओके फिर उधर एक कन्वेयर है उस तरफ आता है ये रोड बेस, फिर उधर से आते हैं इस तरह ऊपर ऊपर जाते हैं देखो ऐसा जी जी, फिर उधर ही 2040 इस तरफ वाला वो वाला तो 360 सैंड वाला होता है, इधर इधर ही बनाता है ये दो कन्वेयर है ना, वो वाला 3 का ये वाला 3-4 का, बस हम लोग बाद में तो एक जगह में स्टॉक बनाते हैं इसका। तो अभी ये जो अर्शद भाई ने बताया कि जैसे ऊपर से बड़ा पत्थर आता है तो ये कन्वेयर लगे हुए डिफरेंट और दे हैव डिफरेंट साइज, तो उसमें फिर ये होता है कि जो जो साइज का पत्थर जिस साइज में वो फिट हो जाता है वहाँ पर ही वो उसको नीचे ले लेते हैं और बाकी जो आगे फिर दूसरी कन्वेयर बेल्ट में चला जाता है और वहाँ से फिर ये तीसरी में और तीसरी वहाँ पर वो क्या है कौन सा वो वाला 2040 का 2040 का वो साइड बार उस तरफ जाता है वो तो रोड बेस है। हाँ फिर ये वाला, ये वाला 26 वाला है 26, ये जो है ना ये 26 जितना भी स्टॉप है ना ये 26 एग्रीगेट जो है ठीक है, ये वाला स्टोन जो है और फिर उस तरफ जाता है ना वो 316 वाला है, वो वाला बड़ा कन्वेयर, वो बड़ा कन्वेयर जो है वो 316 फिर ये दोनों 3-4 और 3-8 वाले, ये जो ये तो 3-4 है, 3-4 है ये वाला और उसके साथ वाला 3-8 है और ये वाला भी 2-6 है लेकिन इसका अभी अंदर थोड़ा बड़ा पत्थर भी लग गया है, ये 2-6 है 2-6 है लेकिन इसमें मिक्स बड़ा पत्थर मिक्स किया हुआ है, थोड़ा सा वो जैसे ही दूसरे काम की
तो ये सारा जो है ना क्रशर है, क्रशर जो क्वारी इसमें कहते हैं, स्टोन फैक्ट्री कह लें इसको, जहाँ से ये सारा मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए जाता है। तो ये डिफरेंट उसके साइज़ और डिफरेंट, यानी इस फॉर्म में बजरी भी कहते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ साइज़ की है और फिर इनकी क्वालिटी भी होती है। जैसा माउंटेन होता है गैप्रो, जिसे ब्लैक स्टोन भी कहते हैं, एक लाइम स्टोन होता है, और इसी तरह डिफरेंट जिप्सम के, लेकिन इस एरिया में ज़्यादातर गैब्रो है जो ब्लैक है, उससे फिर ये क्रशिंग की जाती है जो हमें नज़र आ रही है। डिफरेंट इनके आगे उनके साइज़ हैं और उसी फिर हिसाब से आगे करते हैं। तो ये 360 ना? नो नो नो, दिस वन इज 3-4। ये जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं ये 3-8 ना, ये तो 3-4 है, 3-4 वो वाला 3-8 है, 3-4 ये वाला इससे छोटा है ना, ये 3-8 है। हाँ, ये देखिए इसके साइज में भी फर्क पड़ जाता है। अगर आप देखें ये वाला, तो इसके और इसके साइज में बारीक बजरी जैसे होती है, दोनों के साइज में फर्क होता है। और साइज कहाँ से होते हैं? मोटर के सामने ऐसा ये मोटर है, तो बेल्ट वाला है इसका, इधर से शुरू होता है ना जी जी, वही जगह में ऐसा कन्वर रखते हैं इसका तरह, ठीक है। वो इससे फिर ये बड़ा पत्थर है ना, वो छोटा ऐसे 3-4-3-8 और सैंड रोड बेस 20-40 ऐसा बदली बदली आता है, ठीक है। तो अभी ये अर्शद भाई ने बताया कि ये जैसे ये सामने मोटर लगी हुई है ना, इसके साथ जो कन्वेयर है उसका डिफरेंट साइज आगे मेंटेन किया जाता है। तो हर कन्वेयर की जो साइज डिफरेंट है, तो जैसे जो मटीरियल वहाँ पर उसको सूट करता है वो उस कन्वेयर बेल्ट पर आ जाता है, और फिर नीचे यहाँ पर उसको ये डंप यानी इकट्ठा कर लेते हैं, पाइल अप हो जाता है। तो ये 3-4 है, 3-8 और वाला 3-16। अब ये देखें जो रमल आ रहे हैं, सेम ये वाला, ये आपको नज़र आ रहे हैं, अभी इसको क्लीन नहीं किया ना? नहीं नहीं, उसमें है देना होता है इसमें से। वो तो कस्टमर का बोला ऐसे देना वाला चाहिए ना, पक्का पाउडर से हाका का, से हाका बोला जाता है ना, तो ये डिपेंड करता है जी, जिसे हाका बोला जाता है ना सर। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पर। और ये इसके साथ ये आप नज़र आ रहे हैं हमें, ये वाली जो सैंड अरबी में रबल भी कहते हैं इसको, ये वाली इस कन्वेयर बेल्ट से ये नीचे आ रही है, तो इसको क्लीन भी किया जाता है पानी से, बकायदा इसको ना छिड़काव किया जाता है, और इसमें से जो इम्प्योरिटी या दूसरी वो डस्ट होता है वो साइड पर कर देते हैं, तो ये भी हो जाती है। ये मेरे पास इसका और नेम क्या है? 3-16 जी, 3-16-05 mm, ठीक है सर। ये वाला भी 3-8 पूरा हो गया या अभी रहता था? फिर तो हम उस तरफ जाएगा, तो फिर वो 20-40 और रोड बेस का भी चलता है। हम दूसरी साइड पर आए हैं, तो इसमें जो कंट्रोल रूम से जैसे कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये हमारे पास रोड बेस है, रोड बेस वो वाला तो 20-40 2040 ये बड़े साइज की जो एग्रीगेट है हमें मिल रहा है ना, 2040 तो ये आगे वो वाला है रोड बेस है जो नीचे रोड बनाने के लिए मेकिंग रोड, तो रोड बेस वो नज़र आ रहा है हमें, वो इसका ये स्टॉक है पूरा। तो यहाँ से हमें एक व्यू पूरा नज़र आ रहा है कि डिफरेंट कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं, और फिर उसके डिफरेंट साइज और जैसे जैसे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो अच्छे होते हैं, वो ये रोड बेस, रोड बेस है। तरफ से जा रहा हूँ क्या,
रॉक लग गए यहाँ पर बड़े बड़े, तो ये रोड बेस है, देखें मिक्स है और ये बजरी और ये रेत और ये बाकी सारी चीज़ें मिक्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसको रोड बेस कहते हैं, वहाँ पर इसका कन्वेयर वो वाला है, वो थोड़ा क्लोज भी हो जाएगा जी, सही। तो ये सारा सिस्टम है, यहीं से फिर ट्रक आते हैं तो ये लोड करके शवल में, फिर उनका वेट होता है और फिर वो ले जाते हैं। तो ये देखें इस माउंटेन में से ऐसे ज़बरदस्त आइडिया है कि इसको पूरा क्रशिंग किया जाता है, और क्रशिंग में फिर डिफरेंट जो जो रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट साइज इसका लिया जाता है, तो हर एक का नाम अभी जैसे जैसे हमने इस आपको बताया। तो ये आज का हमारा क्वेरी थी, विजिट थी यहाँ पर, थैंक यू सो मच। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पर जब जैसे बड़ी वो गाड़ी आती है टिप्पर, यहाँ पर उसका लोड होता है, वेट होगा लोड को, वेट करते हैं यहाँ पर मेन पैदल, जिसे हम लोगों में कंडा भी कहते हैं, ऑफिस में सारा होता है, इसका अंदर मीजा लगा है, अंदर ही ऑफिस में ना इसका वो मिज़ान लगा हुआ है, जो बैलेंस है वो जब गाड़ी यहाँ पर आके खड़ी होती है तो उसको फिर अंदर वो उसका वेट मेजर कर लेते हैं कि कितने टन है, टन में होते हैं ना, एक टन 1000 केजी के इक्विवेलेंट होता है, तो होते हैं तकरीबन 7 जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो 19 टन तक आ जाती है। तो ये सारा ये न्यू, और इसके बाद फिर वो